पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु के दुख भोग पर चिंतन करने हम सभी आंतरिक रूप से तैयारी करें। आज इस क्रूस रास्ते के माध्यम से प्रभु येसु और माता मरियम सीधे तौर पर हम सबसे मुखातिब होने वाले हैं। हम अपना अंतकरण प्रभु के सामने खोल दें ताकि प्रभु के मुक्ति का फल हम सभी को प्राप्त हो। क्रूस का रास्ता, प्रारंभिक प्रार्थना। हे प्रभु येसु, हमारे आराध्य और मुक्तिदाता, हम अभी तेरे दुख भोग पर ध्यान करने जा रहे हैं। उस दुख भोग के अनंत पुण्य फल हमें प्रदान करने की कृपा कर। हमें कृपा दे कि इस आंसुओं और आहों के रास्ते से गुजरते समय हमारे हृदयों में पश्चाताप और पाप से घृणा उत्पन्न हो। अपनी जीवन यात्रा के क्रूस, कठिनाइयां और अपमान हम तेरे लिए सहर्ष उठाने को तत्पर हो जाएं, हे प्रभु। पश्चाताप की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं हृदय से दुखी हूं कि मैंने तेरी असीम भलाई और बड़ाई का अपराध किया है। मैं अपने सभी पापों से बैर और घृणा करता हूं, इसलिए कि हे मेरे ईश्वर, तू जो मेरे संपूर्ण प्रेम के योग्य हैं, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। और मैं यह दृढ़ संकल्प करता हूं कि तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध और कभी नहीं करूंगा और पाप की जोखिमों से दूर रहूंगा। येसु बिंदे जब सूली पर थे, पास खड़ी थी करुण हृदय माँ, और नयन आँसू से तरते। पहला स्थान, येसु को प्राण दंड की आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। क्या तुम उस दृश्य को याद करते हो जब प्लातुस ने मुझे अपने न्यायालय में प्राण दंड की आज्ञा दी थी, जहां भीड़ को मेरे विरुद्ध मृत्यु मार्ग के लिए बकाया गया, झूठे गवाह लाए गए, लेकिन मैं निर्दोष पाया गया। क्या तुम इस दुनिया में आज भी न्याय पा सकते हो? हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। सुत की सारी पीड़ा सहली, चीर गई तलवार गले जा, माने मन से मन की कहले। दूसरा स्थान, प्रभु अपना क्रूस डोते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। शायद तुम लोग जानते होंगे कि मेरे जीवन काल में क्रूस पर प्राण दंड पाना बहुत ही
शर्म की बात थी। यह सिर्फ कुंकार डाकुओं को दिया जाता था। मुझे भी उन लोगों ने ऐसे दोषियों में एक माना और क्रूस पर प्राण दंड दिया, जैसे अब्राहम के पुत्र ईसाक ने अपने कंधे पर अपनी ही बलि वेदी की लकड़ी उठाकर पर्वत की ओर प्रस्थान किया, और अब्राहम ने ईश्वर को अपने विश्वास और प्यार का सबूत दिया, उसी प्रकार मैं अपने कंधे पर अपनी ही बलि वेदी अर्थात क्रूस उठा रहा हूँ। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। एक मात्र सुत वह वरदान, माँ की कितनी करुण कहानी। तीसरा स्थान, येसु पहली बार क्रूस लिए भूमि पर गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। बारी में प्राण पीड़ा के समय मैंने अपने पिता के सामने दंडवत होकर असीम दुख पीड़ा का अनुभव किया था। उस अंधेरी रात्रि में मैंने अपने क्रूस पर मरण का दृश्य देखा और डर से कांप उठा। मेरा हृदय दुख से व्याकुल हो गया। मेरी गिरफ्तारी के बाद रोमी जल्लादों ने मुझे खंभे से बांधकर निर्दयता पूर्वक कोड़े लगाया और मेरे वस्त्र फाड़ दिया। मैं खून से लहूलुहान होकर बहुत कमजोर हो गया था। मेरे सिर पर कांटों का मुकुट पहनाकर यहूदियों का राजा होने का उपहास किया। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। महामरण से हार न मानी, जिस सुत ने उसके गौरव को देख रही है माँ कल्याणी। चौथा स्थान, येसु और माता मरिया की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं ये क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। क्रूस यात्रा के दौरान अपनी माँ से मुलाकात एक नाम भुलाने वाला अनुभव था। हमने मूक रूप से एक दूसरे को देखा और मेरी माता ने अपने हृदय और आंखों से मुझे इतना प्रेम दिया कि मैं संवेदनशील प्रेम से भर गया। इस प्यार की गहराई का वर्णन करना मुश्किल है, लेकिन इसका अनुभव किया जा सकता है। जो लोग अपने मनन चिंतन से हमारे इस प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे आत्मत्याग के दर से परे खुद अपने जीवन में ऐसा प्रेम और सेवा करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन।
कौन हृदय जो रोना उठेगा। माता की इस करुण दशा पर धीरज अपना खो न सकेगा। पांचवां स्थान, सिरिनी सिमोन यीशु को क्रूस ढोने में सहायता करता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। सिरिनी सिमोन को जबरदस्ती मेरे साथ क्रूस उठाने को कहा गया। जैसे ही वो मेरे नजदीक आया, उसका मनोभाव बदल गया। अब उसके लिए मेरा साथ देना एक सौभाग्य की बात बन गई। वह इस बात पर मन ही मन खुश हुआ। प्यारे लोगों, सदियों से ऐसे बहुत से सिमोन क्रूस ढोने में मेरी मदद करते आ रहे हैं। उन्हें मैं दुनिया के कोने कोने में देख सकता हूं। वे क्रूसधारी कमजोर लोगों के पास सहायता के लिए पहुंचते हैं, जिसे वे खुश हो जाते हैं। इस प्रकार मैं महिमान्वित किया जाता हूं। मैं दान धर्म देने वाले और उसे ग्रहण करने वाले दोनों को आशीष देता हूं। इस प्रकार मैं एक विधर्मी हृदयहीन संसार में प्रवेश करता हूं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। किसके नयन ना भर आएंगे उस दुख पर सुत के माता के, किसके अश्रु न ढर जाएंगे। छठवां स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पहुंचती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। हे मित्रों, मैं नहीं जानता कि मैं अपनी क्रूस यात्रा में कितना दयनीय दिख रहा था। सिर पर रखे कांटों के ताज से रिसता हुआ खून मेरे झुके हुए चेहरे पर बह रहा था। पसीने के कारण मेरा धूल दूसरित चेहरा विकृत हो गया था। एक धर्मी महिला वेरोनिका भीड़ के बीच से भागती हुई आई और उसने अपने आंचल से मेरा धूल और पसीना से भरा हुआ चेहरा पोंछ दिया। उसने सिपाहियों की परवाह नहीं की और ना ही सिपाही उसे मेरा चेहरा पोंछने से रोक सके। मैं इस महिला वेरोनिका को जानता भी नहीं था, लेकिन वो मेरे दयनीय दशा को देखकर मेरी सहायता के लिए पहुंची। वो और वहां के सभी लोग यह देखकर चकित हो गए कि उसके आंचल पर मेरा मुखमंडल छप गया। इससे बढ़कर मेरी प्रेम भरी मुखाकृति उसके दिल में अंकित हो गई और वो धन्य हो गई। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। सूली मरण मरण कर आए, अनगिन पाप किए मानव ने, और यीशु ने मोल चुकाए। सातवां स्थान,
यीशु दूसरी बार क्रूस लिए भूमि पर गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। मैं कलवारी पहाड़ पर मुश्किल से चढ़ रहा था, क्योंकि अधिक खून बह जाने के कारण मैं बहुत कमजोर हो गया था। सीमोन के व्यक्तिगत सहायता देने के बाद भी मैं क्रूस को भारी महसूस कर रहा था। मैं कमजोरी और थकान के कारण क्रूस लेकर फिर से गिर पड़ा। जब सिपाही लोग मुझे लात मारते और खींचते थे, तब एक असहाय मेमने की तरह मैं तुम सबों को और दुनिया के लाखों करोड़ों बच्चों को देख रहा था। वे मेरे प्रेम और त्याग के लिए तरस रहे थे। यह मेरे पिता की इच्छा थी, इसलिए मैं फिर उठा और क्रूस उठाकर आगे चलने लगा। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। छोड़ चले सब भय के मारे, केवल तुम थी पास क्रूस के, प्राण पुत्र के दूर से धारे। आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां प्रभु के लिए रोती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। यरूशलेम की स्त्रियों, यह मेरी उनके शहर में अंतिम यात्रा थी। वे मुझे एक प्रेम बांटने वाले व्यक्ति के रूप में जानती थी, क्योंकि जो कोई मेरे पास आया उन्हें मैंने प्रेम और दिलासा दिया था। शायद उन्होंने अपनी आंखों से मेरा चमत्कार, मेरी ईश्वरीय शक्ति, मेरी महानता और दुख निवारण का कार्य देखा था। एक भला मनुष्य क्यों इतना दुख उठा रहा है, यह उनकी समझ से परे था। वे किसी भी तरह मेरी सहायता नहीं कर सकती थीं। फिर भी उन्होंने मुझे सहानुभूतिपूर्ण आंसुओं और आंखों से अपना प्यार दिखाया। उस समय मैंने उनको समझाया कि आंसू बहाना भी एक वरदान है। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। मां अपने अनुभव का वर दे, तूने सहाय सुसंग जो जो, हम सब सहले ऐसा कर दे। नौवां स्थान, प्रभु येसु तीसरी बार क्रूस लिए भूमि पर गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। हे मेरे बच्चों, मैं कलवारी पहाड़ की चोटी पर बहुत मुश्किल से पहुंच पाया हूं। मैं बहुत थक गया हूं और कमजोर हो गया हूं। क्रूस का भारी बोझ
अब मेरे लिए असह्य हो गया है। मैं फिर फिसल कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। यीशु मेरे हृदय में स्वर में तुम सी हो अनुभूति मुझे भी ज्योति जगे में रे अंतर में। दसवां स्थान प्रभु के वस्त्र उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं ए क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। हे मेरे बच्चों जब मैं अधमरा जमीन पर पड़ा हुआ था तो एक क्रूर सिपाही मेरे खून से लिपटे हुए कपड़े खींचकर उतर रहे थे। मेरे सब घाव फिर खुल गए और लहू बहने लगा। मेरा सारा बदन दर्द से कांपने लगा। उन्होंने चिट्ठी डालकर मेरे खून से सने कपड़ों को बांट लिया। शायद तुम सभी मेरे प्यार के लिए इस कथन को याद करते होगे। नंगे को पहनाओ। आज भी मैं बहुत से गरीब लोगों को अपने समान नग्न पाता हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पहनाओगे? हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। ओ माँ पाप मिटे सब मेरे उनके घाव रहे आत्मा में हम उनके चरणों के चेरे। ग्यारहवां स्थान प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। अब मैं तुम्हें अपने जीवन की अंधकारपूर्ण घड़ियों में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अंधकार की शक्ति पूरी तरह छा गई थी और मनुष्य की क्रूरता अपनी चरम सीमा पार कर चुकी थी। उन लोगों ने मुझे क्रूस पर पटक दिया और मेरे हाथ पैर खींचकर कीलों से क्रूस पर ठोक दिया। कीलों के आघात से खून फव्वारे की तरह बहने लगा। हाय यह कैसा असहनीय दर्द था। मैं कराहता और रोता रहा। मेरी माँ यहां भी मेरे दुख में साथ दे रही थी। वह सचमुच में दुखियारी माँ थी। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। ईश पुत्र हो भू पर आए
हम मनुजों के लिए सब सहा, नहीं कौन से कष्ट उठाए। बारहवां स्थान, प्रभु क्रूस पर प्राण त्याग देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं ए क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे क्रूस पर धीरे धीरे लहू बहाकर मरने के लिए उठा लिया गया। उन्होंने मेरे क्रूस पर इस प्रकार का दोष पत्र लगाया, यीशु नाजरी यहूदियों का राजा, इसलिए मैं राजा हूँ, अर्थात तुम्हारे दिल का राजा हूँ और प्यार का प्यासा हूँ। मैं सिर्फ प्यार करना और क्षमा करना जानता हूँ। क्रूस पर मेरे द्वारा कहे गए आखिरी शब्दों पर ध्यान दो, यह सभी सहृदय मनुष्यों के लिए मेरा आखिरी संदेश है। अपनी परीक्षा के समय इन वचनों पर मनन चिंतन करो। मेरे शब्द तुम्हें मेरे प्यार का लगातार आश्वासन देंगे। मैं कलवारी पहाड़ पर अकेला नहीं था, मेरी दुखियारी माँ क्रूस की दाईं तरफ और मेरा शिष्य योहन बाईं तरफ खड़ा था। मरियम मगदलेना अपने आंसुओं से मेरे पैर धोकर उन्हें चूम रही थी। उनके अलावा दोनों डाकू मेरे आजू बाजू क्रूसित थे। मुझे क्रूसित करने वाले यहूदियों के नेता और उपहास करने वाले भीड़ मेरे चारों तरफ थी। इन सब का अपना अपना संदेश है। उन सब के सामने अपनी माँ के द्वारा पाया हुआ बदन और लहू तुम्हारे पापों के प्रायश्चित के लिए मैंने पिता के हाथों में सौंप दिया। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। प्रभु को गाए संग तुम्हारे उनका चिंतन, करे न कष्टों से घबराए। तेरवा स्थान, प्रभु येसु का मृत शरीर माँ की गोद में रखा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं ए क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। हे मेरे प्रिय बच्चों, यह मेरे जीवन में एक अनोखा अवसर था कि मैंने अपने मृत बेटे का शरीर अपनी बाहों में पाया। उसका शरीर चारों तरफ गहरे घावों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि उसका हृदय भी छेदा गया था। मुझे अपने दिल में असहनीय दर्द का अनुभव हुआ, मानो एक तेज तलवार मेरे हृदय के आर पार भेद गई हो। मेरी आँखों से आंसू बहने लगे जो मेरे बेटे के शरीर को भिगो गए। मैंने आँख बंद कर मन ही मन इस मुक्तिदाता प्रभु के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया।
हे प्रभु हम पर दया कर। हे कृष्ण हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। मिट्टी इस तन को खा जाए तो भी हे प्रभु आत्मा मेरी इन श्री चरणों को ही पाए। 14वां स्थान। यीशु को कब्र में रखा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। ये मेरे बच्चों मानव परिवार में जन्म लेकर यीशु मेरे पुत्र अपने भाई बहनों के समान मृत्यु के अधीन रहें। अभी मुझे चिंता है कि अपने पुत्र के शरीर को कहां दफनाऊं क्योंकि उसने अपने लिए कोई कब्र तैयार नहीं किया था। इस प्रकार उसका यह कथन सच निकला मानो पुत्र के पास सिर रखने तक के लिए भी जगह नहीं है। मेरे पुत्र के अनुयायियों ने में से एक अरिमतेया के योसेफ ने अपने लिए बनाई हुई कब्र को भेंट किया जो कि एक बड़े पत्थर से ढकी हुई थी। यह एक अजीब सा दृश्य था कि मेरे पुत्र के कब्र की रखवाली करने के लिए कुछ रोमी सिपाहियों को नियुक्त किया गया। हे प्रभु हम पर दया कर। हे कृष्ण हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। ये ईश्वर आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आज इस पुण्य शुक्रवार के पावन दिवस पर हम तुझसे विनम्र प्रार्थना करते हैं तेरे इस परिवार पर दया दृष्टि फेर, हमें पाप से मुक्त कर ले प्रभु। आज हम सारी दुनिया को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। विश्व की रक्षा कर प्रभु, हमारे भारत देश को सुरक्षित रख, मनुष्य जाति को आपके प्रेम के कवच से ढक ले प्रभु। सारे उत्तर प्रदेश, झांसी धर्म प्रांत और इस क्षेत्र के सभी लोगों को चंगा कर दे प्रभु। आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा हम सब लोगों को चंगा कर दे प्रभु। ये प्रार्थना हम करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।